हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट व्यूहात्मक संचालन। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करने वाले, तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जो नवी पेपर पैटर्न आने वाली है 70 मार्क के अकॉर्डिंग, उसको लेकर बात करेंगे। उसके बाद इस बार हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो कौन सी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए, और लास्ट में इस बार की एग्जाम के लिए इस सब्जेक्ट में कौन से आईएमपी क्वेश्चन रहने वाले, उन सबको लेकर हम डिस्कशन करने वाले। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो 70 मार्क का एंड 2.5 आवर टाइमिंग का आने वाला है। तो उसमें अब क्या रहेगा, आपके पास 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वैसे तो पहले 70 मार्क के अंदर 4 क्वेश्चन में ही काम हो जाता था, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का 20 सेक्शन बनाया जाता था, जो क्वेश्चन 5 में अब कन्वर्ट अलग से कर दिया गया। तो क्वेश्चन जितने 5 बनाएंगे हर एक का वेटेज इक्वल रहने वाला है, मतलब हर एक क्वेश्चन हमारा टोटल 14 मार्क का रहने वाला है। स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन है वो हमारे एक एक यूनिट में से, और क्वेश्चन 5 है जो हमारे इन यूनिट में से आने वाले, जो भी शॉर्ट सम्स होते हैं एमसीक्यू वो पूछे जाएंगे। अब एक एक क्वेश्चन को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। पहले मैं मार्किंग की बात करना चाहूंगा कि इस सब्जेक्ट में हमको कितने मार्क के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एक एक यूनिट के अंदर। तो हमको यूनिवर्सिटी की ओर से पहले से एक मार्किंग का स्ट्रक्चर बताया गया, तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, इन 3 में से किसी तरह से हमारा क्वेश्चन के मार्क बन सकते हैं। पहला ऑप्शन 14 का ऑप्शन में 14 है, दूसरा 14 का ऑप्शन में 2 7, या फिर तीसरा 2 7 और उसके ऑप्शन में 2 7। तो मुझे लगता है इस सब्जेक्ट में ज्यादातर क्या हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हर एक यूनिट के क्वेश्चन में उसी तरह से हो, किसी में चेंज भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ जो है वो मुझे आपको सेकंड कि 14 का ऑप्शन में 7 7, क्योंकि आपके सब्जेक्ट में आप देख रहे होंगे लॉन्ग क्वेश्चन 14 मार्क के भी बनते हैं और 7 7 के भी बनते हैं, तो ये ऑप्शन बेस्ट रहेगा। तो मुझे लगता है इसी के अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं हर एक यूनिट के अंदर। बाय चांस किसी यूनिट में चेंज भी हो सकता है मार्किंग का पोर्शन। तो आई होप आपको समझ में आ गया, 14 मार्क जो हमारे कवर रहेंगे एक 14 का रहेगा तो ऑप्शन में 7 7 का रहेगा, मोस्ट ऑफ ये पूछने के चांसेस है, तो इसके अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे। बाय चांस 14 के ऑप्शन 14 आया तो भी हम लिख लेंगे, 7 7 के ऑप्शन में 7 7 आएगा तो भी हम उसकी तैयारी कर लेंगे, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की पहले बात कर लेता हूं। तो क्वेश्चन 5 में कैसे आना है, तो देखिए हर एक सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग बताया गया, कहीं पर एमसीक्यू होंगे, कहीं पर ट्रू फॉल्स होंगे, कहीं पर फिल इन द ब्लैंक होंगे, कहीं पर शॉर्ट क्वेश्चन वन लाइनर के होंगे। इस सब्जेक्ट में क्या रहेगा, 99% हमको इस सब्जेक्ट में एमसीक्यू ही देखने को मिलेंगे। अब किस तरह से 14 मार्क कवर होंगे, तो आपको बता दो आपको जितने 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आपको दिए गए होंगे 12 क्वेश्चन, तो याद रखिएगा पहले वो लिखिएगा जो आपको आते हैं, नंबर का कोई इंपोर्टेंस नहीं है। हर एक क्वेश्चन के मार्क कितने रहने वाले, 2 मार्क रहने वाले, तो इसके अकॉर्डिंग आपके 7 जब अटेम्प्ट करोगे तो 14 मार्क कवर हो जाएंगे। डिटेल में डिस्कशन में बुक में से करूंगा कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। आइए अब आपको मार्किंग को लेकर क्वेश्चन पेपर पैटर्न को लेकर क्लियर हो चुका होगा, बाय चांस कहीं चेंज होना तो अचानक एग्जाम टाइम में चेंज भी हो सकता है। तो चलिए अब हम थोड़ा डिटेल में स्ट्रेटेजी और आईएमपी लेकर कंप्लीट डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिएगा, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ इंग्लिश की बुक लेंगे, गुजराती लिए समझ जाएंगे, अपने पास बुक रखेंगे जिससे कि फटाफट मैं टाइम सेव करके आपको समझा सकूंगी क्वेश्चन भी कौन से पढ़ने और किस तरह से आपको तैयारी करनी रहेगी। तो कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। देखिए फर्स्ट यूनिट की बात कर लेते हैं, जहां पर हमको इंट्रोडक्शन बताया गया है उसका प्रस्तावना, तो इसमें कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसकी तैयारी करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इस यूनिट में टॉपिक कौन से है। देखिए आपको बता दूं, इसके अंदर हमारा सबसे पहला टॉपिक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट व्यूहात्मक संचालन, तो इसका पहले टॉपिक पढ़ना जिसमें 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं। पॉइंट यहाँ पेज नंबर 5 लिखा गया, पॉइंट नंबर 2 रेडी करना, पॉइंट नंबर 2 गुजरते वाले समझ जाएंगे, चाहे स्कोप कार्यक्षेत्र लिखा है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, और एक टॉपिक है यहाँ पेज नंबर 22 है, पॉइंट नंबर 8 प्रोसेस पढ़ना, क्या पढ़ना है, प्रोसेस प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट के 2 टॉपिक में से लगता है ज्यादातर कि एक टॉपिक पूछा जा सकता है। उसके बाद कौन सा टॉपिक है सी के अंदर, उसके बाद स्ट्रेटेजिक डिसीजन का जो टॉपिक है उसका प्रोसीडर, मतलब वही प्रक्रिया को पढ़ना है, और साथ साथ में जो डिफरेंस इन पॉइंट नंबर 6 डिफरेंस तपात वो पढ़ लेना है। जो ऊपर के मैंने 8 क्वेश्चन बताए इसमें से एक क्वेश्चन आने के चांसेस है, अगर 14 का पूछा तो बाय चांस 14 में होगा या फिर ऑप्शन के 7 7 में से एक क्वेश्चन होगा। तो ऊपर के 8 में से मैंने 4 टिक किए, 2 4 6 8, ये 4 पढ़ना है। उसके बाद कौन सा टॉपिक है, विजन मिशन और गोल, इन टॉपिक में से एक बन सकता है। तो इसमें से आपको सबसे पहले तो आपको फोकस करना है मिशन पर, पॉइंट नंबर 11 पे। लास्ट में हर एक यूनिट के अंदर एक एक आईएमपी भी बताऊंगा कि अगर ये कम टाइम है तो ये पहले पढ़ लो, तो एंटर देखना कहीं स्किप नहीं करना। पॉइंट नंबर 11 मिशन का पढ़ना है, गुजरते हुए समझ जाएंगे दयालक्षी। तो यहां पर मिशन में भी याद रखिए, कई बार 14 मार्क का बन जाता है तो ये कैरेक्टरिस्टिक लक्षण तो पढ़ेंगे, लेकिन लगता है तो नीचे में से कोई एक पॉइंट और भी पढ़ लीजिए जैसे आप 14 मार्क में भी उसको अच्छे से लिख पाएंगे। अगला टॉपिक इसी तरह विजन वाला भी पढ़ना है आपको, ठीक है, उसका भी कैरेक्टरिस्टिक लक्षण आपको पढ़ना है। फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस पॉइंट नंबर 13, तो यहाँ पर 3 अगर पढ़ोगे क्वेश्चन तो मिशन विजन का टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये टॉपिक आप
पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको अब नीचे के जो चार पांच क्वेश्चन बचे इसमें से मैं एमपी नहीं बता रहा, पर अपनी मर्जी से टाइम हो तो एक दो अपनी मर्जी से पढ़ सकते हो। तो यहां पर आपके ये जो मैंने जिस अकॉर्डिंग बताया उसमें से 100% एक तो हो गए, बाय चांस दो भी कवर हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर 2, 4, 6, 8, 10 और यहां पर 11 और 15 इतने क्वेश्चन पहले आपको कम से कम दिए, ये पहले पढ़ने ही पड़ेंगे। क्लियर हुआ? एमसीक्यू में लास्ट में डिस्कशन करूंगा कंप्लीट, ठीक है। अब हम लोग यूनिट नंबर 2 की बात कर रहे थे। यहाँ पर दो सेक्शन है, एक तो एनवायरमेंटल पर्यावरणीय, एक ऑर्गेनाइजेशनल व्यवस्था तंत्री। समझिएगा 14 मार्क में इसमें से मोस्ट ऑफ बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पहले मैं यहाँ बात करना चाहूंगा कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, तो फर्स्ट टॉपिक पहले आपको पढ़ना ही उसका कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, लक्षण आपको पढ़ना ही है। और थोड़ा डिटेल में उसका इंट्रोडक्शन जान लीजिएगा, उसकी डेफिनेशन जान लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, लिखने में आपको फायदा। दूसरा आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो हमारा स्वेट का टॉपिक है, पॉइंट नंबर 5 और 6 दोनों पढ़ना, क्योंकि कई बार 14 में दोनों कंबाइंड करके पूछा जा सकता है, या डायरेक्ट शॉर्ट नोट पूछी तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। 5 और 6 दोनों पॉइंट पढ़ना स्वेट के ऊपर, क्लियर है। उसके बाद जो स्कैनिंग का टॉपिक दिया गया पॉइंट नंबर 4 पे, स्कैनिंग टॉपिक एनवायरमेंटल स्कैनिंग, ये पॉइंट आपको पढ़ना रहेगा। उसके बाद बी पे आते हैं, इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से पहले आपको मेथड पढ़ना है, पॉइंट नंबर 11 मेथड टेक्निक, ये पहले आपको पढ़ना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 पढ़ना है, ठीक है। वैसे तो प्रीवियस ईयर में मैंने यही एमपी दी थी, इन्हीं में से क्वेश्चन निकले गए, और वो एमपी आगे भी एमपी रहती है, क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने ऐसे चूज किया कि जो हर बार पूछने के चांसेस रहते ही है, तो वही क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो यहां पर क्लियर हुआ होगा, अगेन मैं बता रहा हूं कौन कौन सा पढ़ना, पॉइंट नंबर 1, 4, 5, 6 यहां पर 8 और यहां पर 11, ये टॉपिक आपको पहले पढ़ लेना। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एक्स्ट्रा टाइम बचे तो एक दो क्वेश्चन और पढ़ लेना, और ये सब पॉइंट वाले टॉपिक ही है, पढ़ोगे अंदर से तो आपको आइडिया आ जाएगा। उसके बाद हम लोग यूनिट नंबर 3 पे आते हैं, यहाँ ए और बी थोड़ा लॉन्ग है, तो पहले मैं बी में बता देता हूँ, क्योंकि बी में से एक क्वेश्चन तो 100% आने वाला और इजी इसी में से रहता है। तो पहला टॉपिक आपको कौन सा पढ़ना है, जो शॉर्ट नोट होती है ना, जो BCG और G9, ये दो टॉपिक पहले पढ़ना, समझ गए होंगे, इंग्लिश गुजराती दोनों में शायद यही लिखा होगा, ये पहले पढ़िएगा। उसके बाद इसी में फर्स्ट टॉपिक जो है, ठीक है, बिजनेस लेवल वाला फर्स्ट टॉपिक, जहां पे 3 पॉइंट है, शॉर्टकट में पढ़ लीजिए। अगर 14 का पूछना है तो इसको पूछ सकता है, जिसमें यहाँ नाम दिया होगा, जो पीटर करके नाम दिया गया उसके अकॉर्डिंग 3 पॉइंट है, उसको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पढ़ लीजिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ये क्लियर हुआ? और साथ साथ में अगर आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर पढ़ना पॉइंट नंबर 2 प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक चॉइस, ये आपको पढ़ लेना, मैंने बी में से एमपी बताया, ठीक है। पॉइंट नंबर आपको जो 1 दिया गया वो पढ़ना, पॉइंट नंबर 2 आपको पढ़ना है, फिर यहाँ पर पॉइंट नंबर ए और बी पढ़ना, 7 का ए बी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट आप पढ़ सकते हो, पॉइंट नंबर सिक्स पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ए के अंदर मैंने आईएमपी नहीं बताया, बाय चांस इग्नोर कर लोगे तो भी चल जाएगा, बी पर से हमारा काम वैसे तो हो ही जाएगा। क्लियर हुआ मैंने कौन कौन से क्वेश्चन टिक किए? आते हैं यूनिट नंबर 4 की ओर। लॉन्ग वीडियो होगा लेकिन आपको डिटेल में पता चलेगा कि आपको स्ट्रेटेजी करनी है, कौन से पॉइंट पढ़ने हैं। यहाँ पर भी देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, टोटल 14 में से 5 तो कम से कम पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले कहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पॉइंट नंबर 11 पे ध्यान दीजिएगा, पॉइंट नंबर 13 पे, जो दोनों मेथड है, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल और ऑपरेशनल कंट्रोल। तो यहाँ पर उसका मेथड पढ़ लेना, क्या पढ़ना पहले, मेथड, दोनों की मेथड अच्छे से पढ़ लोगे ना तो थोड़ा बहुत उसके बारे में आइडिया रहेगा। वैसे बीच में इसकी प्रोसेस है, पर मेथड पहले पढ़ लीजिएगा, फिर टाइम बचे तो उसकी प्रोसेस पढ़ लीजिएगा। और मेन डिफरेंस तो आपको पढ़ना ही इन दोनों के बीच का, पॉइंट नंबर 14, 11, 13, 14, 12 ऊपर से थोड़ा बहुत देख के चले जाने लिए, कोई रिस्क ना रहे, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादातर है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहां से कैसे बन सकता है, अभी इस यूनिट में क्या क्वेश्चन थोड़े बहुत चेंजेस होकर पूछे जाते हैं, कई बार बाहर से भी पूछे जाते हैं, ऐसा हुआ भी है, फिर भी ये पहले पढ़ लेना है। उसके बाद आपको जो इसमें पढ़ना चाहिए, पॉइंट नंबर 1 पढ़ना चाहिए, जो बैरियर अवरोध दिए गए, फिर इसी के अंदर पॉइंट नंबर हमारा वो यहाँ 3 पढ़ना चाहिए, क्या पॉइंट नंबर 3 पढ़ना चाहिए, ठीक है। इतने ही है, यहाँ से 3 बोले, यहाँ से 2 बोले, 3 को 4 समझ लीजिए, पॉइंट नंबर 12 को थोड़ा हल्का फुल्का देख लीजिए। तो ये यूनिट में मैंने कम से कम दिए, टाइम बचता तो इसमें एक दो एक्स्ट्रा और पढ़ लेना। क्लियर हुआ? आई होप मैंने हर एक यूनिट के अंदर डिटेल में बता दिया कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने। पहले एमसीक्यू बता देता हूँ तैयारी कैसे करनी, फिर हम लास्ट में एक एक क्वेश्चन की भी बात कर लेता हूँ। एमसीक्यू पहले तो आपकी बुक में जो दिए गए वो तो कंप्लीट रेडी करना है, क्योंकि इसमें से 4 से 5 तो आपको यहाँ पर 12 में से दिख ही जाएंगे। साथ में जो प्रीवियस ईयर के पेपर है, आई थिंक 3 ईयर हो गया लास्ट ईयर को मिला के, वो कर लेना है। और एक बात ध्यान रखना, एमसीक्यू में मोस्ट ऑफ क्या होता है, जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ना, वो पॉइंट जो होते हैं वही एमसीक्यू में आ जाते हैं। जैसे कि एज ए एग्जाम्पल, जैसे कि ये G9 है, तो 9 वाला जो है किससे रिलेटेड है, G9 से, या एमसीक्यू में पूछा गया, ऐसे पूछ भी सकता है। जैसे कि यहाँ पर हमारी मेथड है ऑर्गेनाइजेशनल, गुजराती लोग समझ जाएंगे, तो इस मेथड के जो टेक्निक है ऑप्शन में होंगे, कौन सी इससे रिलेटेड नहीं है, वैसे करके पूछा गया। ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन को ही शॉर्ट में एमसीक्यू बना के पूछ लिया जाता है, जो पॉइंट अगर याद रहेंगे ना तो आप ऑटोमेटिक वो एमसीक्यू भी अटेम्प्ट कर लोगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन को भी थोड़ा ध्यान से पढ़ना, पॉइंट पढ़ो तो याद रखना, जैसे एमसीक्यू में भी हमारा काम हो जाएगा।
आई होप आपको एमसीक्यू लेकर क्लियर हो चुका। अब बहुत लास्ट टाइम है और एक एक क्वेश्चन पढ़ना बहुत रिस्की रहेगा, बट पढ़ सकते हो। सबसे पहले ये पढ़ना है, ठीक है, पूछेंगे चांसेस ज्यादातर है लेकिन रिस्क रहेगा। ऐसे तो सारे क्वेश्चन पढ़ना जो मैंने बताया, लेकिन आपके पास 1-2 आवर ही बचा है, तो पहले कौन सा पढ़ना चाहिए? फर्स्ट यूनिट के अंदर अगर आपको पढ़ना है सबसे पहले, तो मिशन का टॉपिक पढ़ लीजिए, मिशन, और यहाँ पर पॉइंट नंबर 8 प्रोसेस के बारे में पढ़ लीजिए, दो हो गया। फिर इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन की जो मेथड है वो पढ़ लीजिए, एक एक बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर या यूनिट नंबर 3 के अंदर यहाँ पर ये जो ए बी दिया है वो पहले पढ़ लीजिएगा। यूनिट नंबर 4 के अंदर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस इसलिए पढ़ने के लिए, अगर मेथड वेथड भी आ गई तो कुछ ना कुछ आप लिख लोगे, इसलिए डिफरेंस पढ़ लेना। एक एक मैंने बताया, ये लास्ट टाइम के लिए अगर 1-2 ओवर है तो सबसे पहले इस पर ज्यादा फोकस कर लीजिएगा। वैसे पढ़ना जो मैंने कम से कम बताया वो सारे पढ़ने, ठीक है। आई होप मैंने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और बता देता हूं इजी कौन सा पढ़ने के लिए, तो फर्स्ट चैप्टर इजी है, सारे पॉइंट ही है, उसका सेकंड चैप्टर भी बहुत इजी है। पहले इन दोनों को आप कवर करना चाहते हो कर सकते हो, बाकी मैंने जितना एमपी कम से कम बताया वो तो आप पढ़ ही लीजिएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और कोई क्वेरी तो मुझे कमेंट कीजिएगा, स्टूडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं स्टूडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।